viewers, welcome back to the channel Accounts Be Easy. So guys, today we will start our new poem which name is My Mother 66 which is written by Kamala Das. So पहले हम देख लेते हैं हमारे सिलेबस में कौन सी पोएम है कौन सी नहीं है. द सेकंड पोएम इज नॉट इन अवर सिलेबस, इट इज इन द डिलीटेड सिलेबस. ओके, ऑल द पोएम्स ये भी हमारे सिलेबस में, ये भी ऑल द पोएम्स आर इन अवर सिलेबस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर फर्स्ट पोएम विच नेम इज माय मदर 66. तो माय मदर 66 इज रिटन बाय कमला दास इन 1934. सो इसमें जो हमारी कमला दास होती हैं वो बोर्न होती है मालाबार केरला, मतलब शी वॉज बिलोंग्स टू केरला एंड शी रिकनाइज, उनको पूरे इंडिया का फोर मोस्ट पोएट्स में से जाना जाता है. शी वर्क वॉज वेल नॉन ओरिजिनलिटी, वो ओरिजिनलिटी में अपना काम करती हैं. वर्सटेबिलिटी एंड द इंटरनेशनल फ्लेवर ऑफ सॉइल, मतलब अपने नेशन के बारे में ऑलमोस्ट ज़्यादा फ्लेवर में डाल के पोइम्स को उस तरह से एक्सप्लेन करती हैं. कमला दास वॉज पब्लिश्ड मैनी नॉवल्स, वो बहुत सारी नॉवल्स को पब्लिश करती हैं, शॉर्ट स्टोरी भी लिखती हैं बहुत सारी, इंग्लिश में भी लिखती हैं और कुछ मलयालम में भी लिखती हैं. ठीक है, तो उसमें मलयालम में उनने एक लिखी थी मधवी कुटी, उनने एक अपनी स्टोरी लिखी थी. सम ऑफ दी हर वर्क इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवल ऑफ अल्फाबेट्स ऑफ लस्ट 1977 के अंदर उन्होंने लिखी थी. अ कलेक्शन शॉर्ट स्टोरी है जो पद्मावती जो है फेमस, उनने शॉर्ट अदर स्टोरी लिखी थी. उनके अदर फाइव एडिशन बुक्स भी हैं उनकी पोइट्री की. एंड शी वॉज सेंसिटिव राइटर, मतलब वो बहुत सेंसिटिव और इमोशनल टाइप राइटर हैं जो कैप्चर करती हैं कॉम्प्लेक्स सब टाइटल्स, मतलब ह्यूमन रिलेशंस के बारे में जो सब टाइटल्स होते हैं उनको कलेक्ट करती है और उसके बारे में उन लिरिक्स बना के और कुछ आइटम्स बना के कुछ फ्रेजेस जोड़ के उनके साथ उनको अच्छे से एक्सप्लेन करती है, प्रेजेंट करती है उनको अच्छे फॉर्म में. माय मदर 66 इज एन एग्जांपल, मतलब उन वो एक एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे पढ़ेंगे माय मदर एट 66. सो सबसे पहले वो बोलती हैं बिफोर यू रीड में बोलती है एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, मतलब एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस होता है. लाइक हम यंग होते हैं फिर हम ओल्ड होते जाते हैं, पहले हम यंग होते हैं फिर बाद में हम ओल्ड होते जाते हैं, तो ये दिस इज नेचुरल प्रोसेस. ठीक है, वी कैनॉट चेंज इट बिकॉज, और उससे बोला एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, मतलब हम ये देखते हैं हम सोचते हैं कि हमारे जो एल्डरली पेरेंट्स हैं, जो हमारे बूढ़े पेरेंट्स हैं, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं. दैट्स मेन थीम अबाउट द पोएम, इसमें हमें ये पढ़ना है. सो ये एक शॉर्ट पोएम है और इट्स नॉट टिपिकल पोएम, इट्स वेरी इजी, सो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस. सो ये जो है ये हमारी कमला दास हैं एंड दिस इज अवर एंड ये हमारी उनकी मदर भी हैं. ठीक है, तो वो बताती हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम, मतलब वो कहीं ड्राइव कर रही होती है कोचिन, मतलब वो बोल रही है ड्राइव करती होती है, वो जो पोएट होती है कमला दास वो ड्राइव कर रही होती है अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन जाती हैं लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग में. लास्ट फ्राइडे को वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन की तरफ जा रही होती है, वो अपनी मदर को देखती है. मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं लाइक यही कार है, यहाँ पे कमला दास हैं, वो कार को ड्राइव कर रही हैं एंड उनकी मदर जो है वो उसके साइड में बैठी हुई हैं बिसाइड हर. ओके, और वो क्या कर रही हैं, वो जो उनकी मदर है वो डोज्ड कर रही हैं, डोज टाइप शॉर्ट स्लीप, वो एक छोटा नैप ले रही हैं. ठीक है, एंड ओपन माउथ, उनका माउथ जो है वो ओपन है बिकॉज वो सो रही हैं एंड हर फेस वॉज एशन लाइक दैट, उनका फेस जो होता है ऐश की तरह होता है, मतलब राख की तरह वो अपने उनका फेस जो होता है वो राख की तरह लग रहा होता है उन्हें. ठीक है, ऑफ कॉर्प्स होता है डेथ बॉडी. ठीक है, वो एक डेड बॉडी की टाइप से होता है. रियलाइजिंग हिम पेन, तो मतलब जो पोएट होती हैं, मतलब वो कंपेयर करते कमला दास जो होती है वो कंपेयर करती है अपने मदर के फेस को कॉर्प से मतलब डेड बॉडी से, बिकॉज वो बहुत ओल्ड हो चुकी है, वो बहुत डल लग रही हैं, सीम्स टू बी नो एनर्जी. ओके, सो वो इस तरह एक्सप्लेन कर रही होती हैं दैट शी वॉज ओल्ड एज शी कैन लुक सून बट पुट थॉट अवे. तो मतलब सबसे पहले बोलती हैं जितनी वो बूढ़ी है ना, जितनी वो लग रही हैं उतनी वो हैं भी, मतलब जितनी वो बूढ़ी हैं उतनी वो लग रही हैं उनके फेस से कि हाँ वो इतनी हैं, मतलब 66 की हैं तो लग रहा है कि हाँ वो उनके फेस वाइज भी लग रहा है कि वो 66 की ही हैं. देन बट वो क्या करती है, जो कमला दास होती हैं जो पोएट होती हैं वो इस थॉट को दूर करती हैं, वो सोचती हैं कि मतलब वो बहुत इमोशनल हो जाती है उस टाइम पे, तो मतलब अपनी इमोशनलनेस को दिखाने के अपनी सैडनेस को इस ग्रीफ को इस डर के अपने दिखाने के बजाय वो उसको थॉट को दूर करने से क्या करती है, वो बाहर देखती है विंडो के बाहर देखती है द यंग ट्रीज, वो उन ट्रीज को देखती है जो बाहर स्प्रिंटिंग इज अ वर्ड विच यूज, वो उन बाहर उन ट्रीज को देखती है. स्प्रिंटिंग वर्ड है वो, उसको हम कहते हैं रनिंग, जो कि
चलते हुए ट्रीज होते हैं, जब हम कार में चल रहे होते हैं तो ट्रीज जो होते हैं वो एकदम हमें ऐसे लग रहे होते हैं जैसे वो भी हमारे साथ भाग रहे हैं, वो भी रन कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें ऐसा लग रहा होता है। द मैरिज चिल्ड्रंस और जो बहुत खुश होते हैं चिल्ड्रंस होते हैं, स्पिलिंग आउट ऑफ द हाउस, स्पिलिंग मतलब होता है केम आउट इन लार्ज क्वान्टिटी नंबर, मतलब वो बहुत लार्ज नंबर में अपने घरों से अपने हाउसेज से निकल निकल के आ रहे हैं बिकॉज वो खेलने के लिए आ रहे हैं गार्डन में, तो इस तरीके से वो मैरिज चिल्ड्रन बहुत खुश हैं। बट ये अब इस वाली लाइन से हमें क्या पता चलता है कि यंग स्प्रिंटिंग टीज जो मैरी चिल्ड्रंस होते हैं तो उनको वो जो यंग ट्रीज हैं यंग एंड मैरी चिल्ड्रंस तो इनको देख के उन्हें पता कैसा फील हो रहता है, पोएट को ऐसा लग रहा होता है कि मतलब उन्हें बिल्कुल अपोजिट लग रहा होता है बिकॉज जो वो बाहर देख रही विंडो से और जो विंडो के अंदर उनकी मदर है वो बिल्कुल एकदम अपोजिट है। लाइक उनकी मदर जो है वो बहुत ओल्ड है, वो डल है, सीम्स टू बी नो एनर्जी, पेल है और एश की तरह है और कॉर्प्स की तरह वो कंपेयर कर रही हैं, और जो और विंडो के आउटसाइड जो सीन देख रही हैं वो उसमें क्या है, उसमें वो ट्रीज जो है वो यंग हैं, वो एनर्जेटिक लग रहे हैं और बहुत हैप्पी लग रहे हैं चिल्ड्रंस, तो वो एकदम अपोजिट सीन है, उसकी मदर एकदम अलग है और उसके जो बाहर चिल्ड्रंस हैं वो एकदम अपोजिट हैं। तो इन दोनों को डिस्क्राइब करती हैं इन दोनों को एंड फिर वो बताती हैं बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, मतलब जब एयरपोर्ट पे पहुंच जाती हैं फ्यू आर्ट्स ये एक मेजरिंग की डिस्टेंस मेजर करने की कुछ वो होती हैं टर्म्स, फिर वो देखती है अपनी मदर को दोबारा से देखती हैं अगेन लुकड अगेन एट हर, वो दोबारा से अपनी मदर को देखते हैं। वॉन्ड इज अ वर्ड विच इज यूज फॉर कलरलेस, जो कि वॉन्ड हमारा वर्ड है जिसको हम कलरलेस बोलते हैं, मतलब वो एकदम कलरलेस लग रही हैं, जो उनकी मदर का फेस एकदम कलरलेस लग रहा है, पेल मतलब एक येलोइश टाइप लग रहा है एट द लेट विंटर मून, उनने अपनी मदर को कंपेयर करा है फिर से एक लेट विंटर मून की तरह, बिकॉज जो लेट विंटर मून होता है जो कि एकदम ओवर कवर वो जो कवर्ड हो जाता है फॉग के थ्रू, तो मतलब वो अपनी मदर के फेस को विंटर मून की तरह करी जिसमें कोई एनर्जी नहीं होती, जो एकदम डल होता है, जिसके ऊपर फॉग आ जाती है ना मून के ऊपर, तो वो अच्छे से दिखता नहीं है, तो डल टाइप दिखता है, मतलब ब्लर टाइप दिखता है, तो अपनी मदर को फिर से कंपेयर कर रही है उसी के साथ, ठीक है। देन felt that old, वो फील करती हैं कि वो इतनी ओल्ड हैं, ठीक है, एंड सिमिलर एच और उसी दर्द, एच मीन्स लाइक द पेन, वो उसी पेन के साथ वो फील करती है जो उसे पहले फियर होता था, लाइक जब वो छोटी थी तो उसे फियर उसे डर लगता था कि वो अपनी मदर को ना खो दे, अपनी मदर को लूज ना कर दे, उनकी मदर उनसे अलग ना हो जाए, वो डरती थी, ठीक है, एंड देन सी स्टार्ट क्राइंग, वो रोने लग जाती थी पहले तो उन्हें बहुत बुरा लगता था, बट अभी भी उन्हें वही दर्द फेस कर रही हैं वो कि उनकी मदर की एज 66 हो चुकी है एंड अब वो मतलब वो बहुत नियर है, उनकी डेथ उनके बहुत पास है, सो मतलब वो इसी चीज़ को सोच सोच के बहुत परेशान हो रही होती हैं। फिर उसके क्या होता है, बट आई सेड सी यू मतलब सी यू सून अब्बा अम्मा, तो अपनी मदर को अम्मा के बोलती हैं, अम्मा बोलती हैं और बोलती हैं कि मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ, वो बोलती है लास्ट में चलते हुए कि मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ, मतलब वो चाहती है, इस लाइन से हमें ये पता चलता है वो चाहती है कि उनकी मदर, वो इस होप में चाहती हैं कि उनकी मदर नेक्स्ट टाइम जब वो आए तो उनकी मदर वहाँ हों, उनके साथ हों, ना कि डेथ उनकी ना कि उनकी डेथ हो जाए, तो इसलिए वो इन लाइन से हमें ये एक्सप्रेस करती हैं। All it I say, smile, smile, smile. तो वो अपने दर्द को छुपा रही होती हैं, मतलब अगेन वो तीन बार स्माइल 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 वर्ड रिपीट करती हैं बिकॉज वो अपना जो उनका दुख होता है, जो उनका ग्रीफ होता है उसको छुपाती हैं, अपनी मदर के आगे प्रटेंड नहीं करना चाहते, मदर को शो नहीं करना चाहती हैं कि वो कितनी सैड हैं बिकॉज वो ओल्ड हैं और वो अपनी मदर को बहुत डर लग रहा है, उन्हें वो अपनी मदर को खोना दें। सो दैट्स द थिंग विच सो That's all about the poem. So I hope आपको पूरी poem अच्छे से समझ आ गई होगी and it's very beautiful poem और ये easily आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, it's not a typical poem. Okay, see poetic devices. अब हम देखते हैं कुछ poetic devices, कहाँ कहाँ पे poetic devices use हुए हैं हम उनको देख लेते हैं एक बार। So first poetic device हमारा हुआ है फेस, पहला poetic device जो हमारे वो है फेस एशन, फेस एशन में हमारे यूज है metaphor, यहाँ पे हमारा metaphor metaphor द हमारे यहाँ पे यूज़ हुआ है पोएटिक डिवाइस मेटाफर, और क्योंकि बिकॉज उसका फेस जो है उन्हें कंपेयर किया है, उन्हें लाइक मतलब उन्हें अपने फेस उनके जो फेस है उनको कंपेयर किया था, फेस ऑफ द कलर कंपेयर करती है अपने अपनी मदर के फेस को, इसलिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मेटाफर। नेक्स्ट सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं पोएटिक डिवाइसेस। सो पोएटिक डिवाइसेस में आपको यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही होंगी पोएटिक डिवाइसेस कौन सी है हमारी, तो पोएटिक डिवाइसेस पहली है मेटाफर, मेटाफर में उसने बोला फेस एशन, द कलर ऑफ द फेस इज कंपेयर टू कलर ऑफ ऐश, मतलब फेस जो है उसके कलर का उसे कंपेयर करा गया ऐश के कलर से, इसलिए हमें यहाँ पे मेटाफर यूज होगा। सेकेंड पोएटिक डिवाइस इज सिमाइल, जो कि सिमिली जो कि हमारा है हर फेस एशन लाइक से, जहाँ पे भी लाइक और एज यूज होता है वहाँ पे हमारा होता है सिमाइल। एंड द सेकेंड है हमारा शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुकड,
एज वर्ड यूज हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे भी सिमाइल वर्ड सिमाइल पोएटिक डिवाइस को यूज करेंगे। देन इमेजिनरी, इमेजिनरी और यंग ट्री स्प्रिंटिंग, यंग ट्री स्प्रिंट कर रहे हैं, मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट देयर हाउस, इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर हमारे इमेजिनरी पोएटिक डिवाइस को यूज किया गया है। देन सिमिली फिर से यूज किया गया एज लेट एज विंटर मून, तो एज यहाँ पे है इसलिए सेम हमें यहाँ पे फिर से सिमिली का यूज किया गया है। देन एट लास्ट हमारी जो इसकी पोएटिक डिवाइस है वो रेपिटेशन, आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल स्माइल, सो वो लास्ट में रिपीट करती है स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, सो वहां पे हमारा यूज हुआ है रिपीटेशन जो कि हमारी लास्ट पोएट्री डिवाइस है। तो ये पांच पोएट्री, ये चार पोएट्री डिवाइस हमारे यहाँ पे इस पोएम में यूज हुई है, एंड आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये पोएम अच्छे से समझ आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच गाइस।